वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे आओ ना। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बहुत बहुत मुबारक हो पप्पू आपको। खैर मुबारक। अच्छा बात तुम आ गई, वरना हसरत लेके जाती कि तुमसे मुलाकात नहीं हुई। आज तो लाजमी आना था मुझे। जीते रहो, खुश तो हो ना। क्या हो गया? पिछली दफा आई थी तो बहुत चहक रही थी, आज क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है कमाल, तुमने हमारी बहू को खुश नहीं रखा? क्या बात कर रही है पप्पो, मेरी इतनी मजाल के मैं ऐसी कोई हरकत करूं? और क्यों चुप चुप है? मैं तो कई दफा पूछ चुका हूँ, आप भी पूछ के देख लीजिए। क्या बात है बेटा, क्यों चुप हो? बोलो बेटा, ऐसा नहीं पप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस इला वजह परेशान हो रही है। चलो अब अल्लाह के घर जा रही हूँ ना, तुम दोनों के लिए बहुत दुआ करो, अल्लाह ताला खुशियों से नवाजे। हाँ। सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ। एक बार गोद हरी हो जाए तो फिर नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर और बच्चे में दिल लगा रहेगा। अम्मी चले, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, दुआ करना हमारे लिए जरूर। बिल्कुल अल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए। बिल्कुल आइए।